नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र जी के जीवन के बारे में। तो आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ रोचक बातें। धर्मेंद्र सिंह का जन्म लुधियाना में हुआ। लुधियाना के नुसराली गांव में धर्मेंद्र सिंह के पिता केवल किशन सिंह सरकारी स्कूल में मैथ के टीचर थे, जो साहनेवाल गांव के प्रारंभिक स्कूल में पढ़ाई कराते थे। माँ का नाम सतवंत कौर था। धर्मेंद्र का बचपन साहनेवाल गांव में गुजरा। धर्मेंद्र जी की पढ़ाई उनके पिता के स्कूल में हुई थी। बचपन से ही वह स्वभाव के बहुत ही शरारती थे। धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से 19 वर्ष की उम्र में 1954 में हुई। दूसरी शादी हेमा मालिनी के साथ हुई। जब उन्होंने 1980 में हेमा मालिनी से विवाह करना था, तब उस समय उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक नहीं दिया था, जिसके चलते धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया था। और इस्लाम धर्म अपनाने के बाद हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली थी। अपने गांव से मीलों दूर धर्मेंद्र ने एक सिनेमाघर में फिल्म दिल लगी देखी और इससे वे इतने प्रभावित हुए कि अपना करियर उन्होंने फिल्मों में बनाने का निश्चय किया। धर्मेंद्र को जब पता चला कि फिल्म फेयर नामक पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है, तो उन्होंने भी फार्म भेजा। धर्मेंद्र ने कहीं से अभिनय नहीं सीखा, इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ा और वे इस टैलेंट हंट में चुन लिए गए। फिल्म निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाने के लिए वे मीलों पैदल चलते थे, ताकि पैसे बचा सकें और कुछ खा सकें। धर्मेंद्र जी का शरीर देखने में पहलवानों जैसा था, जिसको देख कई निर्माताओं ने उन्हें अभिनय छोड़कर अखाड़े जाने की सलाह दी। कईयों ने कहा कि पहलवान गांव लौट जाओ। फूल और पत्थर धर्मेंद्र के करियर की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। इसमें उन्होंने शर्टलेस होकर दर्शकों को चौंका दिया। हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत सेहत और चेहरे की चमक देख महान अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि वे अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत पाना चाहते हैं। दिलीप कुमार की धर्मेंद्र बेहद इज्जत करते थे, वे उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। दिलीप कुमार से मिलने के लिए वह नियमित अंतराल से उनके बंगले पर जाते रहते थे। गोविंदा धर्मेंद्र जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी, तब उन्होंने अपनी पत्नी को धर्मेंद्र का फोटो दिया था, ताकि उनका होने वाला बच्चा धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत हो। यह बात धर्मेंद्र जी को पता चली तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। सलमान खान के भी प्रिय हीरो धर्मेंद्र हैं। धर्मेंद्र भी कई बार कह चुके हैं कि सलमान और उनमें कई समानताएं हैं, और वह भी जवानी के दिनों में सलमान की तरह हुआ करते थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बात की जाए तो बॉलीवुड में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड इतिहास की प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक है। दोनों ने लगातार कई सुपरहिट फिल्में दी। लगातार हेमा मालिनी के साथ फिल्मों में काम करते हुए ड्रीम गर्ल को दिल दे बैठे। उस समय हेमा के पीछे संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे अभिनेता भी थे, लेकिन इनको पछाड़कर धर्मेंद्र ने बाजी मार ली और हेमा को अपना बना लिया। कहा जाता है कि जितेंद्र और हेमा शादी करने वाले थे, तब धर्मेंद्र ने जितेंद्र की दूसरी गर्लफ्रेंड को इस बारे में बता दिया और उनकी शादी रुकवा दी। वर्ष 2004 में धर्मेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से बीकानेर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। धर्मेंद्र को टाइम्स मैगजीन में दुनिया के 10 खूबसूरत पुरुषों में जगह दी थी। धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी और देश विदेश में फैले अपने करोड़ों प्रशंसकों का अपनी फिल्मों से मनोरंजन किया।